हेलो गाइज, मैं खुशी रो आपका स्वागत करती हूँ एजी न्यूज में। गाइज, आप लोगों के बीच में काफी सारी समस्या होती हैं। कभी कभार आप लोगों के बीच में पिंपल की समस्या रहती है और कभी डैंड्रफ की समस्या रहती है। तो चलिए हम आप लोगों को एक ऐसा छोटा सा एक ऐसा नुस्खा बताएंगे जिसको पाके आप काफी ज्यादा धन्य महसूस करेंगे, क्योंकि ये नुस्खा अपनाने के बाद आप लोगों के डैंड्रफ सर से और आप फेस से पिंपल एकदम गायब हो जाएगा। क्या है ये, चलिए जानते हैं आज की न्यूज में। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर चाहिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। तो गाइस, पिंपल की समस्या तो सब लोगों को होती है और उसी के साथ साथ डैंड्रफ की भी समस्या सब लोगों को होती है। और कभी कभार कुछ लोगों को डैंड्रफ भी नहीं होता, पर कुछ लोगों को डैंड्रफ जब आ जाता है तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। खुजली वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है और उसी के साथ साथ लड़कियों को, तो लड़कों को भी होती है पिंपल की प्रॉब्लम, पर लड़कियों को ज़्यादा होती है कि जब भी वो पिंपल आ जाता है तब पिंपल आने के बाद जब जाता है तब उनके फेस पर दाग छोड़ जाता है। तो गाइस, आज आपके लिए एक नुस्खा है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। आप लोगों को ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। आपके घरों में जो कि नारियल का तेल, वो तो हमेशा ही सबके घर में होता है, तो आपको नारियल का तेल लेना है और उसी के साथ मेथी के जो कि बीज रहते हैं आपके घर में रहते हैं, खाने वगैरह में भी आप डालते हैं या आप लेके भी आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं मेथी के बीज। तो अगर जैसे कि आप फोटोज़ देख रहे हैं तो ऐसे प्रकार के दिखते हैं वो, और जब आप इसको मेथी के जो बीज रहते हैं उसको आपको पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपको नारियल के तेल में मिक्स करना है और उसके बाद उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपको अपने बालों में लगाना है। ये नुस्खा है उन लोगों के लिए जिनको डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो एक हफ्ते अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका डैंड्रफ एकदम जड़ से चला जाएगा, और वापस अगर आया तो तभी भी आपको यही सब चीज़ें करनी है। और उसके बाद आते हैं हम पिंपल पे। पिंपल जो आते हैं फिर दाग छोड़ जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा नुस्खा है ये। एक्चुअली ये जो है मेथी के बीज ही हैं जो जिसको आपको उसको आपको मैश करके आपको पाउडर बना लेना है, फिर उसके बाद आपको उसको पेस्ट बना के आपको जब भी पिंपल आता है तब आपको उसके ऊपर लगा देना है। और लगाने के बाद जैसे जैसे आपका पिंपल सूखेगा, जैसे जैसे जाएगा, तो आप रात को लगा के बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, और जैसे जैसे वो जाएगा वैसे वैसे वो दाग नहीं छोड़ेगा और वो ऐसे ही निकल जाएगा और आपका फेस वैसे क्लीन रहेगा। आई होप गाइस आपको इसके बारे में जानकर काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारी तरफ से जानकारी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।